रेडी है अपनी बाइक, चलते हैं यहाँ से पहले वेद के घर आज रात में। तैयार हो गई हमारी गाड़ी, सामान सारा बांध दिया है, दो बैग में ही हम दोनों लोगों का सामान आ गया। गुड मॉर्निंग, निकलने को तैयार? जय बजरंगबली, ये हमारे पार्टनर वेद बाबू। चलो भैया बैठो, बना है YouTube चैनल वॉन्डरिंग अमित में। आज हमारा जो सफ़र है वो हमने शुरू कर दिया है और हम बढ़ रहे हैं चोपटा की तरफ, चोपटा तुंगनाथ देवरिया ताल। तो हमारी आइटनरी में ये सारी चीज़ें हैं जो हम घूमने जा रहे हैं। इस टूर का एक जो सबसे स्पेशल चीज़ वो है, वो ये है कि इस बार हम दो लोग एक बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब शायद सालों बाद ऐसा हुआ है कि दो इंसान और एक बाइक है जिस पर हम ट्रैवल कर रहे हैं। और हिमालयन की एक बात वो ये कि इस पर हमें अभी तक थकान नहीं हुई। हम लगभग कितना 250 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं सुबह से। पीछे बैठने वाले को भी काफ़ी आराम है और जो चलाता है उसको तो आराम होता ही होता है। तो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, कोशिश रही हम शाम तक चोपटा पहुँच जाएँ। चोपटा हमारे घर से इंदिरापुरम से लगभग 423 किलोमीटर है और दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर है। इस वक्त हम लोग पहुँच रहे हैं रुद्रप्रयाग। ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये है रुद्रप्रयाग। बाइक पर चलते चलते दो लोग, बड़ी थकान होती है, पीछे बैठने वाले की हालत ख़राब होती है ज़्यादातर। और हमारा जो टारगेट है वो है कि चोपटा हम लोग पहुँच चलेंगे। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड। सूरज ढल चुका है, सूरज इन पहाड़ियों के पीछे जा चुका है। कोशिश करेंगे, चोपटा गुप्तकाशी है, बहुत सारी जगह पड़ती है बीच में, कहीं भी होगा वहाँ रुक जाएंगे। थोड़ी देर करते हैं विश्राम, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं अब गुप्त काशी लिखा था ना, हाँ कुछ 21 किलोमीटर बचा है। और रोड जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर आप दिल्ली से चल रहे हैं और केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं तो अभी तक तो फिलहाल रोड बहुत बढ़िया है। और अभी हम लोग अगस्त मुनि क्रॉस कर चुके हैं, गुप्त काशी 20-25 किलोमीटर बचा हुआ है एंड रोड्स आर रियली गुड। सामने बर्फ की चोटियां दिख रही हैं वहां पर, अंधेरे में अभी ये तो नहीं पता चलेगा। ये मेरी गाड़ी के हो गए 14,999 किलोमीटर। चोपटा जो है वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर और आगे है। अच्छा कोई नहीं, चलो बारह घंटे की जर्नी पूरी करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच आए चोपटा। तो ये हमारा कमरा है। तो चोपटा में एक्चुअली बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है रुकने के, और जो ऑप्शंस हैं वो बहुत स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं। अंदर से अगर हम देखेंगे तो इनका जो रूम्स वगैरह हैं बहुत स्टैंडर्ड रूम्स हैं। बेड है, वेद भाई कंबल के अंदर आ गए हैं, हम लोग कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। कल हम लोग यहाँ से निकल करके जाएंगे तुंगनाथ, दर्शन करेंगे, चंद्रशिला ट्रेक करेंगे और फिर वापस आएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो वीडियो को करते हैं एंड यहीं पर, करते हैं आराम और मिलते हैं कल आप लोगों से। तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।